नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, यूपी पीसीएस 2018 और 2017 के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है। काफी सारे लोग परेशान है, लगातार मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। सबसे पहले 2018 की बात कर लेते हैं। 2018 की आज ये एक पिक थी, सुबह भी मैंने एक बार शेयर की थी और सुबह से बहुत चर्चा में है ये पिक। ये वाली बात तो वैसे कल ही हम लोगों ने कर ली थी कि देखिए मेंस का पैटर्न क्या रहेगा 2018 में। हिंदी मैंने पहले ही आपको बताया था, बिल्कुल वैसे ही रहेगी जैसे 150 नंबर का पहले आता था, वैसे ही फिर होगा। ठीक है, निबंध भी वैसे ही रहेगा, आप 150 नंबर का 3 घंटे में करना पड़ेगा। ये दोनों कंपलसरी रहेंगे, हिंदी के मार्क्स रैंक में जुड़ेंगे, याद रखिएगा। जीएस के 4 पेपर होंगे, एकदम कंफर्म ये अब हो गया है। ये सब चीजें ये सब्जेक्टिव ही होंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे। एक भैया जी थे पहले, सो कॉल्ड स्पेशलिस्ट अपने आप को समझते हैं भैया जी। भैया जी ने काफी सारे पैसे लूट के कोचिंग वोचिंग खोल लिए। भैया जी ने बताया था कि जो ये है एग्जाम, ये ऑब्जेक्टिव होगा। उनको बहुत ही ज्यादा विश्वस्त सूत्रों से ये सूचना मिली थी उस टाइम पे। हालांकि ऐसे सभी झंडे उखाड़ने वाले लोग कि आज जो सूचना है वो गलत हो रही है। ठीक है, इसीलिए मैं कोई भी चीज़ें ऐसे नहीं बोलता हूँ, सब कुछ सोच समझ के और पता करके बोलता हूँ ये सब चीज़ें। तो देखिए, जो अब सब्जेक्टिव एग्जाम है, ये मतलब ये जो जीएस है सब्जेक्टिव होगा। 4 पेपर होंगे 200 200 नंबर के, बिल्कुल उसी पैटर्न पे होगा जैसा आपका यूपीएससी है। हालांकि जहां तक मुझे ये बिल्कुल अंदाजा है मेरा कि जो इसमें सिलेबस होगा, जैसे कि मान लीजिए यूपीएससी में तो होता है कि एथिक्स वाला पेपर होता है, चौथा वाला है ना, लेकिन यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या स्टैटिस्टिक्स जो है वो इसमें इंक्लूड की जाएगी, मैथ वाले क्वेश्चन क्या आएंगे इसमें मेंस में जैसे पहले आते थे, तो वो अब क्या इसमें आएंगे कि नहीं, ये सभी चीज़ें अभी डिस्क्लोज होना बाकी हैं। कोई दावा नहीं कर सकता है ये कि उसको पता है। ये जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक ये सब चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। ठीक है, तो अभी मतलब ये आप समझ लीजिए कि अब ऊपर ऊपर से पढ़ने वाले रट्टू तोते वाले जो टाइप के लोग हैं, उन लोगों का सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आपको हर चीज़ पढ़ के समझ के खुद सोचना पड़ेगा, फिर उसको लिखना पड़ेगा। देखिए, सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी यही है, जो भी आप पढ़ो उसको सोचो, उसको अपने आप को समझाओ, उसको थोड़ा बहुत लिखा करो उसके 150 200 वर्ड। ठीक है, तो राइटिंग प्रैक्टिस करना चालू करिए आप, बहुत ज़रूरी है। ऑप्शनल के लिए एक पेपर होगा, कोई भी जो पुराना सब्जेक्ट है नहीं हटाया गया, मतलब सोशल वर्क भी रहेगा और डिफेंस भी रहेगा, और प्लस चिकित्सा विज्ञान आपका मेडिकल साइंस जोड़ दिया गया है। सोशल वर्क और डिफेंस वाले जो वीडियोज़ हैं वो मैं बना रहा हूँ। अब देखिए ये तो हो गई, और देखिए इंटरव्यू का तो 100 का ही रहेगा, यही पिक्चर थी सुबह से चर्चा में। अब बात करते हैं 2017 वाले मेंस की। 2017 वाला मेंस देखिए, सब कुछ मैं इतनी टेक्निकल डिटेल नहीं बताऊंगा आपको, काफ़ी सारे लोगों से बात हुई है मेरे पास एसएलपी आयोग की तरफ से, और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अभी। ठीक है, लेकिन कुछ एक्चुअली ऐसा भी है कि आयोग में कुछ गुट बन गए हैं। देखो आरओ जो एग्ज़ाम, अब देखिए आयोग में भी जो आरओ हैं उनको भी, क्योंकि पीसीएस वीसीएस का एग्ज़ाम देने हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। मतलब फाइनल बात कुल मिला के ये है कि 17 मई से करा पाना तो मतलब इतना ज़्यादा अब नामुमकिन हो गया है कि करीबन 95% चांसेस है कि नहीं होगा ये। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा एकदम से मतलब कि एकदम जो भी हैं इनके अध्यक्ष इनके, अगर उनको बिल्कुल ही वो एकदम से सटक जाए एकदम कि नहीं, अब तो इन लोगों ने एकदम चैलेंज दे दिया, मैं करके रहूँगा, बिल्कुल कर दिखाऊंगा, मैंने कर दिखाया, तभी हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। वरना देखिए अभी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट भी करने पड़ते हैं। हालांकि हाँ, ये बात भी सही है कि जो इनका एग्ज़ाम होता है लखनऊ में होता है या फिर इलाहाबाद में होता है, ठीक है, तो वहाँ पे पहले से सब कुछ हो सकता है, तुरंत सिटिंग हो सकती है, पेपर भी बनाने का टाइम होता है। लेकिन अभी मैंने पता किया और काफ़ी और भी थोड़ा सा बात हुई, एक्चुअली आयोग में पेपर की क्वालिटी पे लोग इतना ध्यान ही नहीं देते हैं। 2 दिन में, 1 हफ्ते में मतलब प्रोफेसरों को बुला के ये सब कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसी पॉसिबिलिटी है। देखिए मेन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में केस है, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर की प्रोसेस ही ले लेगी 15 20 दिन। ठीक है, तो अगर अभी देखिए हो गई है 26 तारीख, ठीक है, और कल है फ्राइडे, फ्राइडे को उनकी होती है मीटिंग। अगर कल कुछ नहीं आया तो फिर 4 दिन तक है छुट्टी, तो यानी कि 1 मई तो यहीं पे आ जाएगा। और 1 मई को अगर आ गया तो भी, अगर इन लोगों ने मान लीजिए एसएलपी की फाइल, फिर उसकी स्क्रूटनी होगी, फिर वापस आएगी, फिर कैविएट सुनी जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट अपना टाइम लेगी, तो 4 5 दिन उसी में हो जाएंगे। मतलब कि 5 6 मई तक कुछ ये करेंगे, और फिर मान लो 10 दिन में क्या कर लेंगे, और फिर ये एडमिट कार्ड और बहुत सारे और भी चीज़ें। अब देखिए एक चीज़ बस ये है कि आयोग ऐसा क्यों नहीं कह रहा है कि आपके जो ये डेट, मतलब क्यों नहीं ऑफिशियल बता रहे हैं कि नहीं हो रहा है एग्ज़ाम, मतलब बता दें। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि ये लोग
स्टूडेंट को परेशान करना चाहते हैं। बिल्कुल ही सही बात है, वैसे मैं कोई निगेटिव बात नहीं बोलना चाहता हूँ किसी के लिए, लेकिन जो पुरानी सरकारों ने जैसे कुछ अपने रिलेटिव्स को यहाँ पे कर दिया था, ये उसी की वजह से हो रहा है। जो भी उनके चीफ हैं उनकी कोई ऐसी इतनी क्वालिफिकेशन भी नहीं कि वो चीफ बनने काबिल हों, ठीक है। जनरली जो स्टेट पीसीएस होते हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, अच्छे टैलेंटेड आईएएस ऑफिसर्स को रखा जाता है, लेकिन जो पुरानी सरकारें थीं उन्होंने इनको अपने ऐसे ही रख लिया। और ये शायद किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर वाइस चांसलर थे, तो इसीलिए वही सब चीज़ें हो रही हैं कि जो आदमी, अब देखिए वही बात है ना कि आप उसके अंदर इतना नहीं है काबिलियत और फिर भी उसको रखा गया, वो अपनी पोस्ट पा गया है इतनी, तो इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब ये क्यों ऐसा परेशान कर रहे हैं स्टूडेंट को, मुझे खुद नहीं समझ में आता है। कम से कम एक ऑफिशियल नोटिस अगर आप निकाल दीजिए कि सर नहीं करा पाएंगे, नहीं हो पाएगा ऐसा, मतलब जब एग्ज़ाम में अभी इतने लोग फंसे हुए हैं, एग्ज़ाम के क्या लास्ट दिन बताओगे आप, 5 दिन पहले बताओगे क्या, तो इतने टाइम क्यों ख़राब कर रहे हो लोगों का। यूपीएससी देना है, बीपीएससी देना है, इतनी सारी चीज़ें तो देनी है लोगों को, और उसमें भी ये डेली डेली टाइप के, डेली डेली ये सब चीज़ें होती रहती हैं कि आज ये न्यूज़ आ रही है, आज वो न्यूज़ आ रही है। और उसमें भी एक और चीज़, यूट्यूब में गंदगी, यूट्यूब के जो चिरकुट आ गए हैं कुछ, वो अलग गंदगी फैला रहे हैं, ठीक है। एक है बंदा, उसने नाम तो रखा है अपना जीत की, लेकिन वो कराता है तैयारी पता नहीं किस चीज़ की। तो ये सब चीज़ों से आप थोड़ा बच के रहिए और थोड़ा सा अपना सतर्क रहिए, मेरी राय यही है, मेरा एक सजेशन बस यही है आप लोगों के लिए। पढ़ाई करते रहिए, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी तो ऑफिशियली आपको मिल जाएगा कल, और अगर आपका नहीं हो पाया तो नहीं हो पाएगा। ये मेंस, मेंस भी 2017 का पोस्टपोन होगा मेरे हिसाब से, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसी चीज़ की है, ठीक है। और दूसरी बात, जो प्रीलिम्स होगा आपका 2018 वाला, वो भी लेट होगा, 24 जून को नहीं होगा। टोपी वाले भैया जी कह रहे थे कि वो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग उनके टेस्ट सीरीज़ में मत फंसीएगा, क्योंकि 2 बार वो लोगों को लूट चुके हैं। देखिए मेरा बस ये कहना ये है कि पेड ग्रुप मैं खुद चलाता हूँ, लेकिन मैं अपने कमिटमेंट के लिए पूरे दिन रात जाग के लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो करता हूँ, ठीक है। तो कोई भी अगर पैसे लेके कर रहा है, अगर वो क्वालिटी मटेरियल दे रहा है तो उसको हक है, लेकिन कुछ ऐसे भी टुटपुंजिए टाइप के लोग हैं यूट्यूब में कि वो कुछ करते नहीं हैं, क्या करेंगे वो बुक से। जैसे एक है बंदा, वो उसका बस चैनल इसीलिए चलता है कि वो सबको गाली देता है, मतलब वो कभी उसको टोपी वाले भैया को गाली देता है, कभी मुझे गाली देता है, उसका और कोई काम नहीं है, वो सिर्फ गाली दे के बना है। अब आप जैसे आजकल की डेट में तो ये ऐसा है भाई साहब कि आप अगर कहीं भी लिख दो फेसबुक में या फिर कहीं भी चिल्लाने लगो कि अगर आप मोदी और योगी को गाली दे दो तो पूरी मीडिया का फोकस आपके ऊपर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ भी है, यूट्यूब में भी यही सही है कि आप अगर किसी टॉप के कुछ लोगों को पकड़ लो कि हाँ इनको गरियाना चालू कर दो। खैर मैं टॉप का तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यूपी पीसीएस में जैसे काफ़ी लोग हमको फॉलो करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाते रहते हैं, तो अगर आप हमको गाली दोगे तो कोई ना, आपके तो सब्सक्राइबर अपने आप बन जाएंगे। तो ये वाली फिलॉसफी अपनाते हैं, ऐसे टुटपुंजियों से आप दूर रहा करिए, क्योंकि इन लोग का पढ़ाई वढ़ाई वाला कोई मकसद नहीं है, ये सिर्फ आपको बरगलाने आए हैं। इनका खुद का कोई ऐसा लेवल नहीं है, खुद बेकार घटिया क्वालिटी के क्वेश्चन देंगे आपको, कहेंगे ये यूपी पीसीएस में आए हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं, तो ये सब आप ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। कोई और अगर कन्फ्यूज़न हो तो यहाँ पूछ लीजिएगा, गाली गलौज मत करिएगा, गाली गलौज मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ, बिल्कुल ब्लॉक करके भगा दूंगा। और देखिए मैंने यहाँ पे जो भी बातें कही मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी ऐसा नहीं, मतलब मुझे बाद में ना क्लेम करिएगा कि मैंने उनको ये बोल दिया वो बोल दिया, ठीक है। ये सब बातें बतानी थी आपको।